बॉलीवुड एक्टर इरफान खान को ब्रेन ट्यूमर के चलते कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट कर बताया था कि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब सामने आ गया है कि वे ब्रेन ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारी से पीड़ित हैं। इरफान खान ब्रेन ट्यूमर की चौथी स्टेज पर है, जहां यह बीमारी और भी जानलेवा साबित हो सकती है। इसके अलावा खबर यह भी है कि जल्द ही उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। इरफान खान ने खुद सोमवार को एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि पिछले 15 दिनों से उनकी जिंदगी खतरे में चल रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे क्या हुआ है, इस बारे में मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। जो मेरी रिसर्च है उससे ये लग रहा है कि मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई है। मैं हार नहीं मान रहा हूँ, मेरा परिवार और दोस्त मेरे साथ हैं। आप इसको लेकर कयास न लगाए, 10 दिनों में जब जांच पूरी सामने आ जाएगी तो मैं खुद ही आपको इसके बारे में बता दूंगा। बता दें कि इरफान खान की फिल्म ब्लैकमेल जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने से एक दिन पहले ही इरफान खान के बारे में यह खबर आई कि उन्हें पीलिया हो गया है, जिसके बाद उन्होंने कई टेस्ट करवाए गए। रिपोर्ट में इरफान खान को पीलिया आने की खबर एकदम सही साबित हुई है। वहीं रिपोर्ट के जरिए ही ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी का खुलासा हुआ है।